तस्मै श्री गुरवे नमः। इस मंत्र के साथ मेरा गुरु जी को विश्व गुरु स्वामेश्वरानंद जी को प्रणाम करता हुआ सब गुरुजनों को जो यहाँ विराजमान है, महामंडलेश्वर को और बाकी साधु संतों को, आप सबको मेरा प्रणाम। समय तो बहुत हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में कहना चाहता हूँ। जो अभी हमारे गायक प्रोफेसर साहब ने जो बताया, शिखा और तिलक दोनों ही चीज़ आज बच्चों को शर्म लगता है, लगाने की बहुत शर्म लगता है। कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, देखो कितने बच्चों के पास शिक्का है और उसके साथ क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ जब से आया हूँ तो कोई ना कोई त्यौहार तो होता है, कभी दिवाली, कभी एकादशी, कभी द्वादशी, कभी फलाना फलाना, लोग परेशान हो गया इस त्योहारों से। इतना परेशान हो गए कि आजकल चॉकलेट दे बनाते, हग दे बनाते, किस दे बनाते, वैलेंटाइन दे बनाते, क्या फालतू फालतू की चीज़ बनाते, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ की शिकायत कर रहे त्यौहार बेकार हो गए, क्या काम की है, और यहाँ इतनी चॉकलेट दे घास से आ गए, चॉकलेट तो लाडू दे भी लगा दो। ये मेरा तो कहने का नहीं था, लेकिन आपने थोड़ा सा मुझे याद दिला दिया। जो यह हमारे वेदांती जी महाराज जो ये काम कर रहे हैं, ये मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, और मुझे मालूम नहीं था कि वो अच्छा लगता है, क्योंकि ये रामानंदाचार्य जी के अनुयायी है और आचार्य है। कैसे आचार्य है? आचार्य वो होता है, वो एमए वाला नहीं, आचार्य वो होता है जो आचरण करता है। वो रामानंदाचार्य जी के वचनों को आचरण करता है, वो वेदों के मंत्रों का उच्चारण, पूजा जो भी है ये सब करता है, मैंने देख चुका हूँ। आप लोगों भी ये करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सबको प्रणाम करते हैं करता हूँ। और शंकराचार्य जी ने चींटी को, हाथी को और मनुष्य को एक माना गया, आत्मा सब में एक है। और रामानंदाचार्य जी ने जातिवाद को खत्म कर दिया, मुसलमान हिंदू को जोड़ दिया। भारत तो ज्ञान का भंडार है, आप क्रिश्चियनिटी को देखो वह एक बाइबल है, इस्लाम को देखो कुरान है, जूश को देखो वो तालमुद है, भारत को देखो वेद, चार वेद, रामायण, महाभारत, कितनी उपनिषद, पुराण, उप पुराण, उसके बाद कितने दर्शन है, कितने दर्शन है। अब मेरे गुरु जी है जो ओम आश्रम बना रहे पाले में, विश्व गुरु स्वामेश्वरानंद जी पिछले 50 वर्षों से भारत के बाहर घूम रहे, पूरी पृथ्वी की 50-52 बार परिक्रमा किया और सनातन धर्म पूरी विश्व में फैला दिया। उन्होंने कई साल पहले मुझे एक प्रेरणा दिया, प्रेरणा नहीं, उन्होंने आज्ञा दिया ये काम करो। उस काम से और आप लोगों की कृपा से मैंने हमारी भाषा में, जो यूरोप में भाषा चलती है अलग अलग, हमारी भाषा में मैंने रामचरितमानस का अनुवाद कर दिया। और ये कई साल लगा, क्योंकि भजनों में लिखते हैं शक्तिशाली हनुमान जैसा, मर्यादा राम जैसा है, ज्ञान वाला कृष्ण जैसा है, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे हनुमान का नाम है ही नहीं, राम जी का नाम है ही नहीं, कृष्ण का नाम तो है क्योंकि हरे कृष्ण
पूरे विश्व में फैल चुका है। तो एक राम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ की परंपराओं के, यहाँ के दर्शनों के बारे में लोग जानते ही नहीं। यहाँ की चर्चा देखो, आप चर्चा करते अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, वहाँ उसका नाम लेकर के लोग आपको देखेंगे ये क्या बोल रहा है, ठीक है भेज जाओ, ये कोई मतलब की नहीं है। मतलब ज्ञान का विस्तार भारत में हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को कई बार बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु होगा, क्यों? आप लोगों के कारण से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग है, कितना हमने माल बिका, कितना हमने माल खरीदा, कितना हमारे पास गोल्ड है, कितना हमारे पास खान है, कितना कुछ है, वो सब छोड़ दो, भारत के पास कितना ज्ञान है, ज्ञान से विश्व गुरु बनता है, ज्ञान के बाद ये सब कुछ बाद में आ जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसी जयंती बना रहे, प्रकट दिवस बना रहे, जो आपने बताया कि रामानुजाचार्य जो 722 वर्ष पहले प्रकट हो गए, 722 वर्ष से आप लोग जयंती बना रहे, अब उससे ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? इस शब्द के साथ सबको जय सिया राम, जय सिया राम।